लोन में जो है भारी घोटाला है, इसलिए पब्लिक लोग इकट्ठा हुए हैं कि लोन का नोटिस जो आया है तो पब्लिक को तो मिला है 2000-3000 और लोन में आ गया है 29000 और 30000 का। तो पहाड़िया समाज जो है गरीब आदमी है, लकड़ी बेच के पाल अपने बाल बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है, तो ये लोन का पैसा कहाँ से देगा? तो पहाड़िया के साथ अन्याय हो गया ना, बैंक वाला सब पहाड़िया को लूट के खाया। साहेबगंज जिला कल्दीबिट्ठा गांव के लगभग 80 लोगों को वर्ष 2007 में महाराजपुर वनांचल ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि लोन दिया गया, जिसमें स्वीकृत राशि 20,000 से 54,000 रुपए की थी, जिसमें बैंक मैनेजर द्वारा किए गए घोटाले के कारण लोगों को 40 रुपए से 1500 रुपए ही मिले। वर्ष 2015 में लोगों को बैंक द्वारा नोटिस भेजा गया, जिसमें लोन की स्वीकृत राशि से 1.5 गुना बढ़कर ब्याज बैंक को चुकाने की बात है, जबकि पहाड़िया लोगों को बेहतर खेती करने हेतु अनुदान द्वारा कृषि लोन दिया जाता है, जिसमें आधे पैसे माफ किए जाते हैं। लेकिन कल्दीबिट्ठा गांव के लोगों को तो बैंक द्वारा लोन का पूरा पैसा तक नहीं मिला। समझे कि पूरे गांव का नोटिस आया। कितने आदमी होंगे लगभग? करीब 71-72। हम सिर्फ 20,000 रुपया का लोन मिला है, उसमें 10,000 रुपया लिए, 10,000 रुपया में भी 8,000 रुपया जो 8,500 रुपया मैनेजर साहब को दिए। 8,000 किस बात का लिया मैनेजर? मैनेजर साहब ने लिया था, हम लोग LIC में भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग जमा भी कर रहे थे, उसको इन लोगों को जमा पर्ची नहीं दिया गया और कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन से भी काटा गया, तो जबकि उसमें स्पष्ट आदेश है कि वृद्धा पेंशन से नहीं काटा जाए। बकरी पालन में अनुदान था, ATL केसेस में जो लोन हुआ था बैंक से, उसमें अनुदान दिया गया था और वो अनुदान को सब्सिडी रिजर्व फंड के खाते में रख दिया जाता है और 4 साल के बाद वो जब 4 साल जब पूर जाता है उस खाते का, तो उस सब्सिडी रिजर्व फंड से खाता का बैलेंस अनुदान की राशि जो है लोन खाते में जमा कर दी जाती है। और ये कब निकासी कर सकते हैं? ये अनुदान की राशि तो लोन ऋण खाते में जमा हो जाएगी, तो मान लीजिए कि अगर उसका लोन चुका दिया होता है तो कब निकासी कर सकता है, अगर लोन नहीं चुकाया है तो उस लोन राशि में एडजस्ट हो जाता है अनुदान। ये लोग तो कभी देगा नहीं, मान लीजिए 20,000 में 10,000 इसको सब्सिडी मिला, इसको तो देना नहीं है, इसको लोग क्या किया कि सेविंग खाता खुलवा के रख लिया वहाँ, ठीक है ना, और उसी खाते से पैसा को निकाल करके लोन में डाल दिया। उसमें सुनिए मेरी बात, उसमें आपका 10,000 रुपये निकाल के रख दिए। कौन निकाल के रखेगा? पार्टी से ही किया जाता है, बैंक करता है, कर लेता है। आपको ये कॉमन नहीं है, ये आपको बता देते, तरीका बताते हैं ताकि पार्टी को नहीं चुकाना पड़े पैसा ज़्यादा। 2500 खर्चा पॉकेट खर्चा बोल करके मैनेजर साहब के ही आते हैं। कौन मैनेजर? यही तो 6200 रुपया बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस के नाम पर लिया गया, और 2500 रुपया बोल रहे हैं कि मैनेजर के नाम पर। अब भाई क्या मामला, लेकिन इन लोगों का कहना है क्योंकि आरोप भी लगा हुआ है क्या सर? कोई नया काम थोड़े बैंक से कराता था, ऐसा थोड़े है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं भी इसी समुदाय से हूँ, इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि सभी लोगों का लोन माफ किया जाए एवं बैंक मैनेजर त्रिपाठी अशोक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए गमन की गई सारी राशि वापस दिलाई जाए। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहेबगंज जिले के उपायुक्त श्री उमेश प्रसाद सिंह को मोबाइल नंबर 9431152021 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि गरीब लोगों का लोन माफ़ किया जा सके। मैं शिखा कुमारी पहाड़ी, जिला साहेबगंज, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।